हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अच्छला वर्मा और आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल पूरी। ये काफ़ी इजी तरीके से हम इनको बनाएंगे आज, और अगर आप स्टेप टू स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप इन पूरी को परफेक्टली बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं आप इनको मेनली तो आलू की सब्जी के साथ, और अदरवाइज आप इनको किसी पिकल कर्ड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहले यहाँ पर हमारे पास है हाफ कप मूंग दाल, जिसको आप पहले अच्छे से वॉश करें और फिर मिनिमम 3 to 4 आवर्स तक आप इस दाल को पानी में सोक करें। तो पहले हम इस दाल को ग्राइंड करेंगे, उसके लिए हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे पहले ये दाल। उसके बाद अराउंड 3/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून पानी, जिससे ये जो दाल है ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का स्मूथ टेक्सचर। और अब हम इसको डालेंगे एक मिक्सिंग बोल में और ऐड करेंगे अब हम 2 कप्स गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लोर, अराउंड 1 टीस्पून हम इसमें और नमक ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और अब हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ये चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, और साथ साथ हम डाल देंगे इसमें धनिया के पत्ते। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सूखी हुई मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड करके ये चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बनाएंगे। पानी आपको बिल्कुल थोड़ा ही डालना है, क्योंकि डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम पूरी के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका डो बनाना है। थोड़ा सा अराउंड 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको भी आटे में मिक्स कर लेंगे। तो डो बन गया है, और अब हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और स्प्रेड करेंगे और 20 मिनट्स तक इस डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो 20 मिनट्स हो गए हैं, और एक बार दोबारा इस डो को नीट करेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं पूरी बनाना। थोड़ा सा आटा लेंगे जैसे हम पूरी के लिए लेते हैं, और अब हाथों से इसको राउंड शेप देंगे। और फ्लैट करने से पहले सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और अब राउंड शेप देते हुए इसको फ्लैट करेंगे। और अब हमें इनको डीप फ्राई करना है। उसके लिए कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे डीप फ्राई करने के लिए, और ऑयल को आपको काफ़ी अच्छे से गरम करना है। फ्लेम हाई है अभी, और गरम ऑयल में हम इस पूड़ी को डाल देंगे। और बस अब स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए दोनों साइड से हमें पूड़ी को कुक करना है, जैसे हम सिंपल पूड़ी कुक करते हैं। तो ऐसी हम बाकी की पूरी भी बना लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितनी फूली फूली और इनका गोल्डन ब्राउन कलर। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर शेयर करना अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में, और ट्राई भी करना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कीजिए लाइक, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।